हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे किचन में कोई खाने पीने की रेसिपी नहीं बना रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं सूखी खांसी की दवा, वह भी घर की चीज़ों से, हनी से और लौंग से। फ्रेंड्स, यह जो सूखी खांसी की दवा मैंने बनाई है, यह बहुत ही कारगर है। सिर्फ 2 से 3 दिन में ही हमारी खांसी ठीक हो जाती है, और इसे लेना भी सिर्फ कम क्वांटिटी में है। इतना सिर्फ 1 चम्मच हमें दिन में 3 बार लेना है और खांसी में बहुत आराम मिल जाता है। तो आइए जानते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने ली है 15 लौंग, यह मीडियम साइज की लौंग है, और यह मैंने तवा गरम करके रखा है। इस पे हम यह लौंग डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। लौंग को हमें एकदम अच्छे से सेक लेना है। गैस को मैंने फास्ट रखा है क्योंकि तवा एकदम गर्म होना चाहिए, उस पर ही हमारी ये लौंग अच्छे से सिकेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी लौंग का कलर चेंज हो गया है, यह अच्छे से सिक गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और लौंग को एक कटोरी में निकाल लेते हैं। लौंग को हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद में हम इसका पाउडर बनाएंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, और इसके लिए हमें लेना है 6 से 7 चम्मच या शहद। आप कोई भी कंपनी का शहद ले सकते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 7 चम्मच हनी की निकाल ली है। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, 8 से 10 चम्मच भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, यह देखिए हमारी लौंग भी ठंडी हो गई है। अब हम इसे कूट के इसका पाउडर बनाएंगे। मैंने इसे इसमें डाल दिया है जिसमें हम अदरक कूटते हैं, और अब हम इसे अच्छे से कूट के इसका पाउडर बनाएंगे। यह देखिए फ्रेंड्स, यह लौंग मैंने अच्छे से कूट ली है, इसका पूरा पाउडर हो गया है। अब हम इस पाउडर को हमारे जो शहद हमने निकाला था उसमें डाल देंगे। इसे हम पूरा इसमें डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यह देखिए फ्रेंड्स, हमारी खांसी की दवा तैयार हो गई है। अगर आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो आप हनी की क्वांटिटी इसमें बढ़ा सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। और अगर 10 साल से बड़े बच्चे को दे रहे हैं, 10 साल से बड़ा कोई ले रहा है, तो इतना काफ़ी है। फ्रेंड्स, इतना इतना एक एक चम्मच हम 3 बार लेंगे ना, तो आपकी खांसी 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएगी। यह बहुत अच्छी रेमेडी है सूखी खांसी के लिए। तो फ्रेंड्स, सूखी खांसी की जो दवा मैंने बनाई है, इसकी जो रेसिपी है, एकदम घरेलू रेसिपी है। यह अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि यह हर किसी को काम आए जिसको भी यह प्रॉब्लम हो। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। एंजॉय कुकिंग।